सतगुरु जी के चरणों मैं नतमस्तक होना है तो उन्होंने नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। मेरा नाम तरलोचन सिंह मथारू है। मैं सरदार महेंद्र सिंह मथारू जी का बेटा, तो जिहड़े गढ़वियां वाले बाबा अर्जन सिंह जी सी भैणी साहब उन्हों का पोता है। साडा परिवार शुरू तो ही सच्चे पातशाह जी की कृपा नाल, सच्चे पातशाह जी साढ़े बहुत कृपा रही है। साडा जिहड़ा शुरू तो परिवार है, जिस तरह बाबा लद्दा सिंह ललतत हुए ने, उन्होंने चार बेटे सन, दो बेटे जस्सा सिंह ते नत्था सिंह, जिस तरह साढ़े मेरे दादा जी दसदे सी मैनू, मैं तुहानू वो गल कहना चाहुंदा, दो बेटे जस्सा सिंह ते नत्था सिंह राइयां आए सन, ते दो बेटे ललतो रह गए सी, शरमन सिंह ते उन्हां दे भरा। जस्सा सिंह ते नत्था सिंह इक्को ही परिवार च रहिंदे सी, इकट्ठा ही उन्हां दा मकान सी, इक्को ही घर च उन्हां दा निवास स्थान सी। ते जस्सा सिंह दे, जिस तरह सारे जानते हैं, सतगुरु राम सिंह जी, सतगुरु हरि सिंह जी दे उन्हां दे दो सपुत्र होए, तो इधरों नत्था सिंह दे दरबारा सिंह होए। तो जिस तरह गुरु जी का परिवार अगे वध्या, दरबारा सिंह जी दे अगे नारायण सिंह होए, नारायण सिंह दे फिर साडे बाबा जी दादा जी अर्जन सिंह आए, जो कि गड़व्यां दा काम करदे सी भैणी साहब गढ़। तो उन्हां दे बेटे, दो बेटे सी, उजागर सिंह ते महिंदर सिंह। सच्चे पातशाह जी सानू शुरू तो ही खुशियां मिलदियां रहियां, जो भी सानू औख आईयां असी सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी वेले भी, तो उस तो पहला भी असी अपनी जो भी सानू औख आती सी सच्चे पातशाह दे सन्मुख रखते सी, तो उहदा हाल मिल जांदा सी। जदों मेरे दादा जी दो बेटे, मेरे ताया जी ते मेरे पिता जी उजागर सिंह ते महेंद्र सिंह, ते मेरे ताया जी बीमार हो गए बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने तकरीबन जवाब ही दे छड़िया। उस वेले मेरे दादा जी सतगुरु प्रताप सिंह जी को गए, तो उन्होंने आख्या कि डॉक्टर ने ग्रीनवाज जवाब दे दिता है, आप जी कृपा करो। सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह जी हस पे ते बोले, इन्हां कुछ नहीं होंदा, इन्हां नूं कितें ठंडे थों लै जाओ तो ठीक हो जाएंगे। यही कारण सी मेरे पिता जी मेरे ताया जी नूं लै के मसूरी चले गए। मेरे दादा जी दो ही बच्चे सन, मेरे ताया जी ते पिता जी, तो इन्होंने उत्थे निवास स्थान अपना जिहड़ा जीवन है मसूरी सतगुरु प्रताप सिंह जी वल्लों असी भेजे गए सां, ते मेरे पिता जी ताया जी उत्थे ही उन्होंने अपना काम शुरू किया। उस तो बाद सच्चे पातशाह द्वारा उत्थे गए सी, ते इन्नी कृपा हुई उत्थे, काफ़ी अच्छा उन्हां दी कृपा नाल काम चलिया, वर्कशॉप बनाई गई। सतगुरु प्रताप सिंह जी भी आउंदे हुंदे सी, सतगुरु जगजीत सिंह उस वेले नाल उन्हां दे आउंदे हुंदे सी। बचपन का मैनू याद है जब मैं उस वेले भी दर्शन किए ने, जदों सतगुरु प्रताप सिंह जी गद्दी से, सतगुरु जगजीत सिंह जी मसूरी आते सन। सतगुरु जी का प्यार सानू शुरू से ही बचपन तो बहुत मिलया। एक बार की गल है, गल तो बहुत छोटी है पर मेरे लिए बहुत वड्डी गल सी। मैं चार पाँच साल की आई सी, मेरे ताए का बेटा प्यारा सिंह ते मैं ते मेरी वड्डी भैन जिहड़े अश्विंदर आशू है उहदे माता जी हरदीप ते एक साडा होर भरा, असी चारों कटाणी तो पैदल आ रहे सी। कच्चा राह सी, मिट्टी उड़ रही सी, तूफान चल रहा सी, सानू बाट बड़ी लंबी लग रही सी। कटाणी तो कित्थे दादा जी नाल साढ़े सी, सर्कस से देख के लुधियाने आए, तो सानू ये बड़ा एक भार जिहा लग रहा सी, भैणी साहब इन्नी दूर किस तरह पैदल जावांगे, थोड़ा मौसम भी खराब सी। लेकिन उस वेले असी पिछे मुड़ के देखिया तो सानू बहुत मिट्टी जुड़ती दिखी। जदों मिट्टी दी धूल बैठी तो असी देखिया एक जीप आ रही है चली, असी बड़े खुश होए, असी समझ गए भी ये सच्चे पातशाह सतगुरु प्रताप सिंह होणगे या सतगुरु जगजीत सिंह जी विच होणगे। जब लेकिन जीप आई तो असी वो देखिया सतगुरु जगजीत सिंह जी अगे बैठे सन, होर वो सारे सिखां नाल भरी पई सी। सतगुरु जगजीत सिंह ने वो जीप रोकी तो सारे सिखां नूं कहा भी ये बच्चों नूं लैके ही जाना, जीप भरी हुई सी। एक ने कहा भी ये सारी जीप भरी हुई है। सच्चे पातशाह कहिंदे नहीं, इन्हां नूं बच्चों नूं पहलां बिठाओ। अगे बच्चों ने सानू अगे बिठाया गया, तो आप सच्चे पातशाह जी अद्धे बाहर लटके हुए थे, अद्धे अंदर सतगुरु जगजीत सिंह जी किस तरह भी है वो सानू लिया के, उन्होंने वो पूरी बाट जी दो ढाई किलोमीटर की सी उन्होंने कट के सानू भैणी साहब आके उतारिया। गल कुछ नहीं, छोटी गल है या वड्डी गल है, पर साढ़े मन च ना बहुत सत्कार ये बनया भी सतगुरु जगजीत सिंह की शुरू से भावना यह सी, बच्चों खुशियां देनिया, बच्चों का सुख देखना, बच्चों उद्यम देना। समा बीतिया, एक बारी की गल है,
1972-73 की गल है। तो मेरे ताई का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया वो, तो वो सिर च ना बहुत ज़्यादा दर्द हुंदा सी, मच्छी मंगन तड़फदा हुंदा सी। असी सच्चे पातशाह को जाना सी, कहना सच्चे पातशाह जी कृपा करो, ये फलाना डॉक्टर बड़ा अच्छा। सच्चे पातशाह ने कहना अच्छा उत्थे लै जाओ, जिहड़े भी डॉक्टर नाल दसना कि पता करना असी उत्थे जाके दिखाना। तो वो 6 महीने इलाज चलता रहा, इलाज ना उहदा ठीक होया। तो एक बार ताई जी साढ़े सच्चे पातशाह को गए, तो वो एक किसी ने होर डॉक्टर दसिया, तो ताई जी ने उत्थे हट कर दी, कहिंदी मैं किसी डॉक्टर को जाना, सच्चे पातशाह तुसीं कृपा कर दो, इस बच्चे दे जे ठीक होना तो तुसीं कर सकदे, असीं किसी डॉक्टर को नहीं जाना। सच्चे पातशाह हस पए। उस वेले जिहड़ा प्रताप मंदिर दी उसारी शुरू होनी सी मेरे ख्याल है, तो गुरचैन सिंह फलोरा जी आए सी, अफ्रीका वाले नैरोबी वाले, वो दे आर्किटेक्ट सी। तो उन्हें सच्चे पातशाह ने उन्होंने कहा, वो देसी इलाज भी करते सी कुछ। सच्चे पातशाह ने हसदे कहा, शाम नूं उन्होंने मिलो तो वो तुहाड़ा कोई ना कोई हल कर देंगे। असी सारे उन्हां कोल गए सच्चे पातशाह दे हुक्म अनुसार, तो गुरचैन सिंह जी ने कुछ नहीं किया, देखिया तो कुछ गोलियां उन्हें देतियां 15-16, कहिंदे काका एक सवेरे खा ली, एक शाम नूं खा ली। साध सिंह जी सच जाने, वो गोलियां उन्हें 5-6 दिन ही खाधी होनी है, जिहड़ा कि 6 महीने का इलाज नहीं हो रहा सी। तो साडा भरा बिल्कुल ही तंदुरुस्त हो गया, तो उन्होंने कोई भी और तकलीफ अज तक मुड़ के नहीं आई। बचपन असी नहीं समझ सी, असी कहते गुरचैन सिंह जी ने मेडिसिन दिती है तो ठीक हो गया, लेकिन तुम समझ सकते हो, आप भी जान सकते हो कृपा किन्हां दी होगी, वह मालिका की कृपा सी, सतगुरों की कृपा सी। इस तरह ही समा बीतिया, बहुत सारी घटनावां हुई, सानू ये एहसास हो गया कि पूर्ण ईश्वर का रूप सी सतगुरु जगजीत सिंह जी, पूर्ण शक्ति सी, हर चीज़ का उन्होंने ज्ञान सीगा, ते उन्होंने हर पल का पता हुंदा सी। साडे दादा जी ना बहुत ज़्यादा उन्हों का प्यार सी। दादा जी जदों 100 साखी की कथा भैणी साहब होनी, दादा जी साडे हिस्ट्री बड़ी याद सी, ते उन्हों का दादा जी का साढ़े ना बहुत ख्याल करते सच्चे पातशाह। समा बीतिया, दादा जी बीमार हो गए, तो उन्होंने अदरंग का अटैक होया, श्री भैणी साहब असी इत्थे लिया लुधियाने, इत्थे आके वो असी उन्होंने इलाज कराया। तो ये 87 की गल है, 87 की, तो सच्चे पातशाह की कृपा नाल साढ़े दादा जी काफ़ी ठीक हो गए। लेकिन एक दिन शाम को मेरे दादा जी ने मैनू बिठाया घर च, कहते तरलोचन सिंह इधर मेरी गल सुन, मैं कोल गया के बैठ गया, तो असी सुनिया सी बई पुराने बजुर्ग जान लगे दस देंदे होंदे ने बई उन्हां दा समा आ गया, पर देखिया नहीं सी। मेरे दादा जी मैनूं कहिंदे तरलोचन सिंह गल सुन, अज रात नूं मैं इस संसार छड्ड देना, मैं आकाशवाग चले जाना, तो मेरा समा पूरा हो गया। मैं कहा दादा जी तुसीं ठीक हो गए हो, चंगे भले हो गए हो, किस तरह हो जाएगी गल? नहीं, कहते मेरा जो समा सी वो मैं भैनी साहब रह के अपना व्यतीत किया, बहुत वधिया होया, सतगुरों की कृपा रही है, पर हुण मेरा समा है, मैं जाना अज। तो मेरा भरा छोटा डॉक्टर सीगा, डॉक्टर इंदर सिंह, तो वह उस वे बोंदई काम करता सी, तो मैं उन्होंने पूछा भी दादा जी किस तरह की गल्ला कर रहे हैं बाबा जी साढ़े, वो कहते नहीं ये दवाइयों का असर होंदा। मैं कहा दवाइयों का असर नहीं है, जो ये कह रहे हैं ये भजन बंदगी करते रहे वह असर है, वो सच हो के रहेगा। खैर रात असी बैठे रहे, 12-1 बजे थी गल्ला करी गए, तो उन्होंने कुछ गल्ला कही मेरे दादा जी ने मैनू, कहते भी देख मेरी जी संस्कार वास्ते लकड़ा रखी ने, वो मेरी बैठक रखी उन्हें भैनी साहब, वो इस्तेमाल करनी है। तो कुछ गल्ला होर कही बई ये नामधारी पंथ नहीं बेटा छड़ना तू, ये जड़ा पताल तुर जाए ने, कुछ होर गल्ला भी कही भावनावान दसिया उन्होंने। खैर समा बीता गया, रात में असी उन्होंने दादा जी को बैठे रहे, लेकिन 2 बज गए 2:30 बज गए, लेकिन मैं डॉक्टर नाल चैक भी कराई गया भरा को, लेकिन एक समा आया 2:30-3 बजे मेरे दादा जी ने अपना शरीर छड़ता था, तो इस मातलोक तो चलाना कर गए। असी सोचिया बई बाबा जी दादा जी साढ़े हुक्म करके कहने भी मेरा संस्कार भैन साहब करो, तो असी सवेरे ना 5
साढ़े पाँच बजे कार लैके उन्होंने भैणी साहब वाल निकल गया। अजे असी कार लैके निकले ही सी, थोड़ी दूरी अद्धा किलोमीटर भी नहीं गए होंगे, सामने एक चिट्टे रंग की वाइट कलर की कार आए असी देखी। नामधारी सिंह उन्होंने ड्राइव कर रहे थे, मूहरे असी क्या भी नामधारी सिंह आ रहे, जुड़ भैणी साहब तो आई होनी सी, उन्होंने कार को देख कर रुक गए। दादा जी अंदर पै सन तो असी नमस्कार की उस संतान, असी उन्होंने पूछया कितने जा रहे हो, सानू उन्होंने पूछया उस संतान ने, मैं ना नहीं याद उन्होंने, मैं क्या जी दादा जी चढ़ाई कर गए, कहते मैं सतगुरु जगजीत सिंह ने भैणी साहब तो भेजे है तो क्या बई बाबा अर्जन सिंह चढ़ाई कर गए ने, उन्होंने बच्चे लुधियाने ने कि उत्थे ने उन्होंने संस्कार कर दें, तुम गड्डी लैके जाओ तो उन्होंने कहो भी फटाफट इतने लैके आओ। असी सुन के बहुत ही हैरान हुए, कोई टैलीफोन का सिस्टम नहीं हुंदा सी, कुछ नहीं हुंदा सीगा, लेकिन सच्चे पातशाह उत्थे बैठे ही वो ज्ञान सी भई ये इस दुनिया तो चले गए ने। इस तरह की एक वाका होर होया, मतलब सच्चे पातशाह नूं आपां कह सकते हैं भी हर पासे हर पल का ज्ञान हुंदा सीगा भई उन्होंने जिहड़े जिन्होंने प्यार करते सी, सिखां दा की रुतबा है, की उन्होंने अवस्था है, कदों वो संसार छड के चलेगा, उन्होंने हर पल का पता हुंदा सीगा। इस तरह एक वाका होर होया, मेरे पत्नी के माता जी जिहड़े रियान जी के माता जी सी, वो 2004 चढ़ाई किए ने, तो वरियान जी जिहड़े जलंधर उन्होंने गोद चो बैठे से, उन्होंने सिर उन्होंने ए फड़िया होया सी उन्होंने वरियान जी ने, तो वह मूँह च ना लास्ट मोमेंट से उन्होंने जल पा रहे सी मूँह च, उन्होंने मुख में अंतम समा आया सीगा। अचानक ही की होया तो साडे उन्होंने माता जी ने शरीर छड़ दिता, तो इस लोक तो मात लोक से चले गए वो भी। तो वरियान जी दसते हैं तो नाल टैलीफोन पिया सीगा, तो उहदी बैल बजी, टर्न टर्न करके बैल बजी, तो वरियाम जी कहते मैनू ये भी समझ नहीं आई भी मेरी माता हुणी अजे एक मिनट भी नहीं होया चढ़ाई की, मैं फोन ना चक्का, कहते मैं पता नहीं की मन चाहिए फोन चक लिया, टैलीफोन चक लिया। तो दूसरे पासों सतगुरु जी आप अपने मुखावन तो बोल रहे सी, आम तौर से तो सतगुरु जी का कहते वरियाम जी कहते फोन आता सी, तो उन्होंने सेवक भी बोलता सी, तो कहना हुंदा सी भी सच्चे पातशाह तुहाडे नाल गल करनगे, लेकिन उस वेले उस फोन की घंटी से सतगुरु जी आप अपने मुखावन तो बोल रहे सी, तो उन्हों का वचन सी वरियाम जी माता चली गई है। तो वरियाम जी ने कहा हाँ सच्चे पातशाह हुणे ही अजे एक मिनट ही होया, तो सच्चे पातशाह आखदे हैं कोई गल नहीं फिक्र ना करो वरियाम जी, बहुत अच्छी जगह गए ने, जिते गए ने बहुत अच्छी जगह गए ने। पाओ ये कुछ सैकेंड ही सच्चे पातशाह नूं इस चीज़ का पता लग जाता सी भई मेरा सिख या मैनू प्यार जिन्हों प्यार करते सी उन्हां दी की दशा है, तो वह कित्थे जा रहे ने। बहुत सारिया गल्लां ने, मैं पटियाले नौकरी करता सी, उत्थे एक अमर आश्रम है, उत्थे कोई समागम होया सच्चे पातशाह आए, ये गल है कोई 77-78 की गल है, मैं उत्थे इंजीनियरिंग करके एक फैक्ट्री उत्थे काम करता सी, सच्चे पातशाह मैंने पुछते रहते होंगे सी भाई इंजीनियरिंग करके कितने नौकरी लगे, तो मैं उस वेले उत्थे आए उस प्रोग्राम च मैं जाके अर्ज बेनती की सच्चे पातशाह गरीबाज साढ़े घर भी चरण पाओ, तो सच्चे पातशाह कहते भी 5 बजे प्रोग्राम खत्म होएगा उस वेले देखांगे। खैर मैं घर आके अपनी पत्नी को कहा भी मैं सच्चे पातशाह अर्ज करके आया, तो शायद वो आ जाना, लेकिन जब सच्चे पातशाह 5 बजे प्रोग्राम खत्म होया तो मैं उन्होंने कहा ग्रीनवाज कृपा करो हूँ, कहते की है तेरे को, मैं कहा स्कूटर है, कहते ला अगे, उस वे सिक्योरिटी वगैरह कोई नहीं होंगी सी, सच्चे पातशाह अगे अगे मैं स्कूटर गाया, पिछे पिछे कार आई, तो घर दी घर उस गली पहुँचे तो गली का नज़ारा ही कुछ होर सी, मेरे घरद ने आंढ गुआढ़ सारे कह दिता, तो दोनों पास चिट्टिया चादर ला के बहुत ही सुंदर दृश्य उससे बनाया, मैं आप घबरा गया, मैं सोचा मैं शायद अपने घर जा रहा कि कितने जा रहा, लेकिन कोई कुछ पता नहीं लगे, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके असी कोशिश की सच्चे पातशाह का स्वागत की करिए, तो असी घर लेके आए।
छोटे जे दो कमरे सी, नौकरी करता सी मैं। सच्चे पातशाह ने कमरे देखे तो बैठे, जो भी उन्होंने कृपा हुई असी नमस्कार किया, चले गए। लेकिन वह ना मेरे से कुछ, मेरी जो दशा सी उत्थे दी नौकरी दी, वह देख के चले आए लुधियाने, वो वापस आ गए भैनी साहब। पता नहीं की मन बनया, मैं उत्थे, मेरी नौकरी 9-10 साल की हो गई सी, की मन बनया मैं उत्थों नौकरी जदे ही छड़ दित्ती। थोड़ा विवाद हो जरूर होया, थोड़ी मैं नौकरी छड़ के लुधियाने आ गया। लुधियाने आया तो इत्थे आके नौकरियां की, इत्थे आके नौकरी ज्वाइन कर ली। इत्थे एक फैक्ट्री मैं इत्थे जॉब शुरू कर ली। 81 दी गल है, अजे साल भी नौकरी नहीं की सी। सच्चे पातशाह उपदेश सुनते होंगे सी, अपना काम करो, अपना काम करो। वो जिहड़े साडे यंग जवान बच्चे से उन्होंने यही उपदेश देंदे सी भी कोशिश करो भी नौकरियां, जे बहुत मजबूरी है करो, नहीं तो अपना काम करो। वो ऐसी भावना बनी, मेरे को कुछ भी पैसे नहीं सी, थोड़ी जी माया सी, सिर्फ 10,000 रुपए च मैं अपना काम, थोड़ा जिहा एक जगह छोटी जी किराए ते 500 रुपए ले के मैं अपना काम शुरू किया। लेकिन वो काम सच पाए कृपा हुई, हौली हौली ठीक चल पाया, भरा भी आ गए ते मैं हौली हौली काम नूं वधाया। फिर मैं एक दिन ज्ञान होया, ये चीज़ कई चीज़ा सतगुर कर जाते हैं लेकिन इंसान समझ नहीं आता भी सतगुर ने की कौतक दिखाया, वह पता बाद च लगता। मैं उस वेले एहसास होया भी जे सच्चे पातशाह उस वेले मेरे को पटियाले, मैं उन्होंने अर्ज बेनती करके घर लै गया सीगा, वो आ गल सी, उन्होंने मेरे से आ कृपा करनी सी। उतों छुड़ा के मैं भैनी साहब लैके आए। एक तो मैं भैनी साहब के कोल आया, भैनी साहब की संगत के कोल आया, मैं अच्छी चीज़ा भैनी साहब मिलनिया सी मिलिया, नहीं तो मैं उत्थे पटियाले बैठा सी। साढ़े परिवार जिन्हें भी साढ़े वडेरे हुए ने, उन्होंने एक इच्छा जरूर रही है, उन्होंने जन्म भी भैनी साहब होया, तो गल भावें अच्छी लगे ना लगे, उन्होंने ये भी इच्छा रही है भाई साडा अंतिम समा, अंतिम जिहड़ा संस्कार है वह भी भैनी साहब ही हो। यही इच्छा मेरे पिता जी सी, जब मेरे पिता जी 97 चढ़ाई किए, मैं उन्होंने मसूरी तो लैके आया, असी 300 तो वध किलोमीटर सफ़र तय करके उन्होंने भैनी साहब लिया के उन्होंने संस्कार किया। इदा ही माता जी का भी इत्थे करिया, ताई जी का भी इत्थे किया, ताए का भी इत्थे होया। तो ये साड़ी इच्छा रही है परिवार की। एक बार साडे ताई जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, ये 2001 के करीब की गल है। तो सूबा जी लुधियाने के सूबा जी अपने हरभजन सिंह जी भी उत्थे सीगे मसूरी ताई जी कोल, ते इन्होंने भी उन्हां दी हालत देखी। तो इस तरह का समा सी भी ये कोई सा कुछ आने कि नहीं आने कोई पता नहीं सी। सूबा जी उत्थों गड्डी लैके लुधियाने आ गए, तो वह भी ताई जी लैके, मैं उन्होंने कहा जी तुसी डॉक्टर अवस्थी होंगे सीगे उस वेले, दयानंद च होंगे सी, अपना SPS हॉस्पिटल बनया नहीं सी उस वेले अजे, तो मेरी उन्होंने थोड़ी जी जान पछाण सी। मैं उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की भी इदा इदा ताई साढ़े बीमार ने, कहते कोई गल नहीं तुसी इत्थे लुधियाने बुला लो, तो असी उन्होंने स्पैशल अरेंजमेंट करके उन्होंने इत्थे ठीक करांगे। तो सूबा जी ने मैं आके पहले ही दस दिता भी तुहाडे ताई दी हालत बहुत खराब है, वो लैके उसे चल पे ने, पर यह नहीं पता भी मालिक की कृपा करे उन्होंने, उन्होंने हालत इस तरह की है। तो वह उतों लैके ना ताई जी चल पे, तो मोबाइल फोन राही मेरे ना उन्होंने कॉन्टैक्ट रख्या। मैं उन्होंने कहा जी इतने थोड़ा इंतजाम इतने, मैं दयानंद हॉस्पिटल करवा दिता, बैड तैयार करवाता सी, बस चीज कह के और रस्ते जा रहे थे, तुम इतने ले आओ, आप कोशिश करा उन्होंने इतने लिया के, तो जो भी उन्होंने मैडिकल एड देगी दिती जाएगी। जो रस्ते च आ रहे थे अंबाले के कोल जरा 20 किलोमीटर पहला ही साढ़े ताई जी का मतलब चढ़ाई कर गए, सह आना बंद हो गया। तो उन्होंने कहा भी ये तो असं उत्थे लुधियाने लैके जा रहे थे, तो चढ़ाई कर गए ने। तो मेरे ताई जी के बेटे प्यारा सिंह सी नाल नाल उन्होंने सिंगारा सी, उन्होंने चैक भी करवाया डॉक्टर को, डॉक्टर ने अपना देख लिया स्टैटोस्कोप लगा के या आई टॉर्च मार के, वह कहते नहीं ये नहीं रहे, चले गए। उतो चले, चलो हूँ लुधियाने तो आना ही सी, भैनी साहब तो फिर लैके जाना सीगा। तो जो खन्ने को आए ना गड्डी, खन्ने को पहुँची सतसंग जी सच आने, साढ़े ताई जी उठ के बैठ गए। ताई जी उठ के बैठे तो कहते मैं कितने लैके चले हो तुसी? तो मेरे जोड़े भरा नाल सन, उन्होंने कहा भी
पहले तो हैरान हो गए भी ये तो चढ़ाई कर गए सी, ये किस तरह उड़ गए ने। तो कहते जी तरलोचन सिंह ने लुधियाने तुहाडा इंतजाम किया है तो दयानंद हॉस्पिटल लैके जा रहे हैं तुहानू, तो उत्थे तुहाडा ट्रीटमेंट होएगा तो उत्थे इलाज होएगा। तो उन्होंने तो यही कहना सी ना, तो हैरान भी बड़े भी ये तो चढ़ाई कर गए सी उठ किस तरह गए। ताई जी कहते मैं कोई हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं कितने नहीं जाना, मैंने सीधा भैनी साहब लै जाओ, मैं सच्चे पातशाह दर्शन करने हैं, मैंने दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं तो उन्होंने दर्शन करना चाहे मैं जीवं चाहे मेरा समा है या नहीं, चाहे मैंने कुछ हो जाए, मैं सच्चे पातशाह को लै जाओ। नहीं, उन्हें जिद बन ली पाई, गड्डी खन्ने तो मोड़ी समराले चले गए, समराले तो कटाणी होंगे भैनी साहब चले गए, गड्डी भैनी साहब पहुँची, सच्चे पातशाह नूं अर्ज बेनती की, सारी गल दसी, सतगुरु जगजीत सिंह जी भी इस तरह लैके चले सी आ साडे नाल गल वापरी है, सच्चे पातशाह हस पे। तो ताई जी वाल देखे बोले क्यों माता ठीक हो, भरी निगाना उन्होंने वाल देखिया, अखा च अखा पा के वेख्या की कर रहे हो माता जी का। आखिरी तरलोचन सिंह ने उत्थे इंतजाम किया है, दयानंद उत्थे लैके चले हैं, सच्चे पातशाह हस पे कहते लै जाओ। ताई जी ने हस्पताल लिया गया, ट्रीटमेंट होया, ताई जी ठीक हो गए। साध संगत जी वो बाद 8 साल उन्होंने लाइफ होर जी, 8 साल होर जी है वो बाद। सतगुरु ने इन्नी कृपा की, इन्नी दिव्य दृष्टि उन्होंने की, ऐसी निगाह पाई कि उन्होंने आयु 8 साल बढ़ गई। असी ताई ना हसते होंगे सी, फिर असी मखौल करना, ताई जी तुम तो चढ़ाई कर गए सी, तुम कितने चले गए सी? वो कहते हाँ मैं चढ़ाई कर गई सी, मैं उपर गई, उसे सतगुरु प्रताप सिंह जी के दर्शन होए। वो कहते भी ये माई कितने लिया, यह भजन रहा, इन वापस लेके जाओ। तो मैं कहते वापस लिया गया, ये साढ़े घर सू ताई दसते होंगे सी, पर उन्होंने 8 साल फिर भजन ही किया। देखो जाना तो है इस मात लोग तो, वो बाद गए पर वो इस तरह गए। तो मैं उस तरह से यही महसूस होया भी सतगुरु जी की जो कृपा हो सब कुछ हो सकता है, जीवन भी मिल सकता, सब कुछ हो सकता है। एक होर गल है, सतगुरु जी को हर चीज़ का पता सी, सतगुरु जी ना प्रकृति नेचर से भी बहुत प्यार करते। एक बार सतगुरु सच पातशाह इतने दुगरी दर्शन देन आए, ये 95 की गल है, तो सूबा जी की कोठी का शायद मुहूर्त से उस वे या नीव पत्थर रखा गया से, मैं याद नहीं आ रहा, तो मार्ज की सच पातशाह इधर भी आओ। तो जब इस मकान च आए साढ़े इस मकान घर से, तो ना मैं मसूरी छोटे छोटे चीड़ के पेड़ ले आया सी, छोटे छोटे मारुति कार के उपर रख के भी गमले राह पे सी घर के गेट के कोल, मैं साइड से लाते। सच्चे पातशाह आए अंदर, असी क्या सच्चे पातशाह आने लगे और रस्ते में ना सी, मैं गमले साइड से कर दते। जब सच्चे पातशाह घर च प्रवेश कर लगे, सच्चे पातशाह चीड़ के पेड़ वाल छोटे छोटे से एडे एडे कि मस 8-8 इंच के होने हैं, सच भाई बहुत खुश हुए देख के, कहते चीड़ के पेड़ कितों लिया? मैं जी आप जी अरदास मसूरी लैके आए। सच्चे पातशाह ने ना चीड़ के पेड़ में इस तरह करके हाथ ला दिता, चारा था हाथ ला के, तो कहते चलो ठीक है, बहुत अच्छे पेड़ ने, होर भी मंगवाने हैं तो असं उत्थे लाने हैं नीलो नहर से। वो बाद मंगवाए भी गए तो उत्थे लाए भी गए। सच्चे पातशाह आए, समा बीतिया, चले गए इतों दर्शन दे के कृपा करके। वो जो माली सी साडा, उन्हें ना पेड़ लाए नहीं, कहते जी पहाड़ों के पेड़ ने इतने कितने होंगे ने, ये नहीं होने, ये तो मैंने बहुत हिंदी बोलता सी, बहुत कोशिश किया, एक भी पेड़ नहीं लगता है, आप कहाँ से चीड़ के पेड़ उठा लिया? मैं कहा नहीं तू ला दे, उन्हें महीना लाए नहीं जो पै रहे। महीने बाद कह सुन के मैं पेड़ लगा दते, कोठी के चारों पास असी तकरीबन 20 पेड़ लाए। तो हैरानगी की गल ये सारे 20 पेड़ चल पे हौली हौली। तो जिन्हों में जोड़ा भी माली देखे वो बड़ा हैरान भी है, ची पाइन के ट्री ने, चीड़ के पेड़ ने, कितने चल जाएंगे, कितना चल जाएंगे? तो हौली हौली बढ़ने शुरू हो गए, तो हौली हौली बढ़े पेड़, 1 साल निकलिया, 2 साल निकलिया, 3 साल निकले, 4-5 साल हो गए। तो सारे हैरान भी ये पेड़ किस तरह चल पे ने। वो गल सा सच्चे पातशाह ने हाथ लाया सी, उन्नी तो याद सी, पर यह नहीं भी उन्हें कृपा उन्होंने हो रही है। एक बार भैनी साहब मैं गया 5 साल बाद, तो कोठी के बाहर लाइन लगी सी दोनों पासे, सच्चे पातशाह जो राम सरोवर तलाया उधरों आना सी उन्होंने,
तो ये अनाउंसमेंट हो भी कोई अगे हो के मत्था ना टेके, दोनों पासे लाइना ला लो, दूरों ही नमस्कार करो, दूरों ही नमस्कार होए। तो सारी संगत दोनों पासे असी खड़े सी, तो सच्चे पातशाह बिचों बड़ी तेजी ना जा रहे सी, चार पांच सिंह होर सी नाल। वो जदों मेरे अगों निकल गए ना, मैंने क्रॉस करके अगे चले गए 5-10 कदम, सच्चे पातशाह उत्थों ना वापस आ गए मेरे कोल। मैंने कहा तरबचन सिंह, मैं हाँ जी कृपा जी, मैं हाथ जोड़ के खड़ोता सा, तेरे चीड़ के पिंड का की हाल है? मैं बड़ा हैरान होया, मैं कहा जी कृपा जी ठीक चल रहे हैं। तो भाव ये है भी अज उस गल मेरा ख्याल है 25-26-27 साल हो गए ने, चीड़ के पेड़ 40-40 फुट उच्चे हो गए ने, वड्डे हो गए ने, तो उस बीह पिंड चो कोई भी पेड़ गया नहीं। मतलब कि उन्होंने प्रकृति प्रेम प्रति भी इन्ना प्यार सी सच्चे पातशाह का, तो उन्होंने विछोड़ा असी सहन नहीं कर सकते। उन्होंने जो उन्होंने सानू दाता ने, उन्होंने जो जो देन है असी कदे भुल नहीं सकते। तो असी यही प्रार्थना सतगुरों के चरणों में करदा भी साड़ी सारी साध संगत भी उन्होंने लिए नतमस्तक रहे, मेरा परिवार भी उन्होंने चरणों हमेशा ही चुकया रहे। तो मैं यही कामना सारे तामतारी समाज लिए करदा, प्रार्थना करदा, जिस तरह जो सच्चे पातशाह ने जो सानू प्रेम दिता है, जो साढ़े ते कृपा की है, जो समाज में उन्नति दिती है, वह असी कई जन्मों तक देर नहीं दे सकते। मैं इन्ना ही कह के समाप्ति करदा। तो एक बार फिर सतगुरु जी जी के चरणों नमस्कार करदा, सतगुरु उदय सिंह जी के चरणों नमस्कार करदा। तो ये भी कहना जो बोलते हो कि मेरे को गलती हो गया हो, कोई गलत शब्द कह हो, मैं माफ़ी मांगना। सत श्री अकाल जी, धन्यवाद।